तो गाइस आज हम खेलने वाले हैं टकला गॉड ऑफ वॉर। क्या बोला तूने? मेरा मतलब है गाइस गॉड ऑफ वॉर। चलो जोक सपाट को साइड रखते हैं, और यहाँ पर गाइस तीन पिलर थे और मुझे इनका पता नहीं था यार यूज़ क्या करना है। तो अभी भी वैसे तो मुझे अभी पता नहीं चला है, पर चलो डायरेक्टली ही हम आगे बढ़ के देख लेते हैं कि इसके यूज़ करना पड़ेगा कि अपन को आगे कुछ मिल सकता है। तो अभी तो मुझे इसका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, घुमाना कैसे क्या करना है गाइस मुझे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली ही हम आगे चलते हैं द टेम्पल्स ऑफ हेलॉन्स। तो यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं गाइस, अब देखते हैं अगर ये पीछे चलने बोल रहा है तो फिर हम इसका कुछ करेंगे इस पिलर का। और गाइस बने रहिएगा वीडियो में क्योंकि अभी तो मज़ा आने वाला है इसमें। गॉड ऑफ वार हो और मज़ा ना हो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इसका कुछ कट वट सीन चल रहा है, पता नहीं यहाँ एक मूर्ति भी है, किसकी है ये तो मुझे नहीं पता गाइस। और ये क्या मेरे भाई, ये कहाँ से आ गया अचानक से? हम मारना चालू कर दिया इसको, तो अब दूसरे तरीके से मारना पड़ेगा। और ये नागिन भी यहाँ पर है, नागिन गिन 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 भी यहाँ पर है, तो इसको भी बीम से अपने वश में करते हैं। रुक जाओ, इनको तो उछाल उछाल के मारूंगा, ये धोबी पछाड़ शॉट मारते हैं अभी। रुक जाओ, पहले से ही गर्दन को मैंने फाड़ दिया है, अभी ये फिर आ गए हैं। तीन चार ये ज़मीन में किसने गाड़ दिया है, जहाँ से आया था इसे वहीं गाड़ दूंगा मैं। अभी तो इसने मुझे बचा लिया है एक प्रकार से, पर चलो कोई नहीं, इसने मेरी आधी हेल्थ भी कम कर दी थी तो इसका बदला तो हम लेंगे। अब ऑप्शन आ चुका है ओ का, और बिन ऑप्शन के ही हमने इसे मार गिराया है गाइस। इसको उठा के फेंकें क्या? रुको गाइस, इसे अभी उठा के फेंकते हैं। यहाँ पर इसने तलवार निकालता है तेरी, तो जहाँ से आए थे वहीं गाड़ देंगे तुमको। हम आगे चलते हैं गाइस, अभी तो उन सबको तो मैंने मार दिया है बड़ी आसानी से। ये मूर्ति के पास क्या है, चलो देखते हैं इनके पास। यहाँ पर तो गाइस अभी मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसे पता नहीं कैसे पार करना है। यहाँ से हम जा सकते हैं क्या? आगे रास्ता है कि मुझे वापस से जाना पड़ेगा? गाइस अभी रास्ता भी मिल रहा है हमें, और मैंने अभी वो मिस्ट्री को पार ही नहीं करा है। वो गेट वेट कैसे खोलना है मुझे नहीं पता, पर चलो अभी तो हमें रास्ता मिलते जा रहा है, तो हम चलते चलेंगे आगे। जहाँ पर रास्ता बंद हुआ हम पीछे लौट के आ जाएंगे गाइस। और यहाँ से हम मिट्टी के ऊपर गपाते हुए तलवार चलते चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये हम ऊपर पहुँच चुके हैं ये टॉप पे, और यहाँ पर अभी और भी रास्ता है, तो हम आगे ही चलते हैं। बट रुको ज़रा, यहाँ पर सीढ़ी क्यों बनी हुई है, यहाँ पर देख लेते हैं। हो सकता है यहाँ से रास्ता ऊपर, मुझे तो नहीं लगता है गाइस यहाँ पर रास्ता, ये गेट भी नहीं टूटने वाला है। तो मैं चलो पीछे ही चल चलते हैं यहाँ पर। अभी इसमें देख लेते हैं कुछ बॉक्सेस वॉक्सेस तो मुझे दिख नहीं रहे हैं गाइस। आगे की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। यहाँ से मैं जंप मार के ऊपर की तरफ चढ़ता हूँ गाइस, और अभी यहाँ से अब मुझे इस पार जाना है। तो यहाँ से मैं पूरा खतरों का सामना करते हुए चल रहा हूँ। ये मैन वर्सेस वाइल्ड ही हो रहा है, पूरी ऐसी दीवारें शिवारें वहाँ पर भी होती हैं, जंगल में बस नहीं है, बस फ़र्क इतना है इस पर। और यहाँ पर फिर से कुछ कट सीन चालू हो चुके हैं, और यहाँ से ये बिजली सी उस पर पिलर में जा रही है, पर मुझे अभी उस पिलर को मेरे ख्याल से मैंने सेट नहीं किया है, तो उसे भी हम सेट कर देंगे बाद में। पर अभी हमारे पास एक बॉक्स है, मैंने इसे खोल दिया है यहाँ पर, और हेल्थ शेल्थ है, तो मैंने अभी तो वो हेल्थ मेरी फुली थी, तो इस कारण से मैंने लिया नहीं था गाइस। और मेरे ख्याल से ये गेट को मुझे खोलना है, अब ये गेट कैसे खोलना है उस पार मुझे जाना पड़ेगा। और पहले ये कुछ शैतान आ चुके हैं, तीर चलाने लगे हैं। ये तो गाइस ये भीम और अर्जुन है, अर्जुन बनने की, अर्जुन और कर्ण है सॉरी, जिनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं इनको धोबी पछाड़ मारूंगा, और ये कूद कूद के मारूंगा इन लोगों को। ये तुम्हारी तो ऐसी ऐसी सारी प्रैक्टिस मुझ पर ही करोगे क्या आज? तुम्हें तो निशाने सारे मेरे के ही मारने हैं तुमको। ये उठा उठा के धोबी पछाड़ मारेंगे, ये उठाया वहाँ पटकेंगे। इसको भी देते हैं गाइस धोबी पछाड़ शॉट। तो जब तेरे पास आता हूँ मैं, तो ऐसे आए आने से रहा। यहाँ से मैंने इसको भी मार दिया है गाइस। अभी आग वाला इसको तो मैं कैसे मारूँ? यहाँ से ये गेट ओपन होता है क्या? अभी तो गाइस ये गेट ओपन नहीं हो रहा है। इसका भी हम कुछ जुगाड़ लगाते हैं, रुक जाओ। हम बहुत जुगाड़ू हैं, हर जगह से जुगाड़ लगा के मारेंगे तुम सबको। यहाँ हम आ चुके हैं गाइस, स्पॉट हो चुके हैं, और दुश्मन ने चारों तरफ से मुझे घेर लिया है। पर हमें कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, इनको तो मैं ऐसे उठा उठा के फेंकता हूँ। रुक जाओ, मुझे लगता है गाइस इन्हें धोबी पछाड़ शॉट दोबारा से उठा उठा के मारना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर बहुत हो चुका है, सबरे का बांध तोड़ दिया है। यहाँ से मैंने उठा उठा के फेंकूँगा, ये ले तेरी तो साला। देखो इतना ढीठ है ये कि ये मरने का नाम ही नहीं ले रहा यार।
ये कैसे बंदे हैं यार, ये तो मरते ही नहीं है यहाँ पर। एक तो तलवार में फंसा फंसा के उठा उठा के फेंक रहे हैं, पर तो भी ये मरते ही नहीं है। एक को तो चलो हमने उसके मृत्यु घाट उतार दिया है, अब ये दो और बचे हैं, इनकी भी वाट लगाते हैं। भाई रुक जाओ बस, यहाँ से ये उठा उठा के फेंकेंगे यहाँ पर। ले तू भी धोबी पछाड़ शॉर्ट से, मेरे आज तक कोई नहीं बच पाया, इसको भी देते हैं। रुक जाओ, वैसे तो ये मर ही चुका है, इसको क्या ही धोबी पछाड़ दूँ। यहाँ पर ये पॉट फूट चुका है, बिजली शिजली हम ले चुके हैं और हेल्थ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी, तो यहाँ पर हम हेल्थ भी ले लेंगे। वो गाइस मैंने हेल्थ की जब बिजली वाली पावर ले चुकी, पर कोई नहीं, हम हेल्थ भी कलेक्ट कर लेंगे। बिजली है तो फिर कोई बात ही नहीं है, उनको तो फिर दबा के मारेंगे इन सालों को। यहाँ से हमने ये प्रेस कर दिया है ये बटन, और यहाँ से ये गेट खुल चुका है गाइस, एक गेट हमारा खुल चुका है। तो मेरे ख्याल से अब वहाँ पर मैं जाता हूँ वो गेट की तरफ से। अब वहाँ पर कैसे जाना है, यहीं से रास्ता होगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा शायद से। ऐसे ढूंढना नहीं है, यहाँ बाजू में भी एक रास्ता है तो वहाँ से भी हम खोल सकते हैं। ये गेट तो ओपन नहीं हुआ यार, कौन सा गेट ओपन हुआ था, तो मुझे देखना पड़ेगा गाइस अभी। इसको बटन को नीचे दबाना है क्या, ये है क्या रास्ता। यहाँ पर भी अभी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है गाइस, अभी मैं इसको खोलता हूँ, इससे क्या होता है। अच्छा मुझे एक पंख मिल चुका है गाइस, मेरे पूरे 5 पंख कलेक्ट कर लिए हैं, तो इससे देखते क्या होता है। अच्छा मेरी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो चुकी है पावर, पावर इंक्रीज़ करने के लिए थे क्या वो पंख। चलो ठीक है, आँख का भी देख लेते क्या यूज़ होगा अभी। वैसे ये मुझे आगा कौन मार रहा था यार, यहाँ पर मुझे ये भी देखना पड़ेगा। इसकी तो वाटी लगा दूंगा, इसके अंदर से आग निकालते हैं गाइस फिर हम। रुक जाओ बस, थोड़ा सा सब्र रखो, और देखना है कि कहाँ से आग आई मेरे पास। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है अभी, और आग कहाँ से आई। अच्छा ये है साला, अंदर पिंजरे में बंद है, पर तो भी इसको शर्म नहीं आ रही। यहाँ पर मैं इस गेट को खोलता हूँ, रुक जाओ गाइस, इसकी आग से मेरी लाइफ भी बहुत काफ़ी ज़्यादा कम है। अरे यार शेट, इसको तो बहुत गंदा मारूंगा। अरे भाई साहब, ये तो गेट ही नहीं खोलने दे रहा है, ये पूरा डिस्टर्ब ही करके मानेगा मुझे। मेरे ख्याल से तो ये मेरी पूरी हेल्थ ही ना खा जाए। पर ये गेट खोलेगा तभी तो मैं शायद से नीचे जाऊंगा। रुक जाओ देखता हूँ गाइस यहाँ पर। ओ मेरे भाई साहब, शेट गाइस, इसने मुझे मार ही दिया है। तो गाइस यहाँ से मैंने वो नीचे खोल दिया था, और यहाँ से मैं नीचे आ चुका हूँ गाइस, वहीं से ये कंटिन्यू है। यहाँ पर उसने मुझे मार दिया था और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब चलो यहाँ से मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, और वो गेट की तरफ जाने से पहले ये क्या हो गया यहाँ पर। अब ये फिर से चमगादड़ की सेना आ चुकी है, और इनको भी धोबी पछाड़ शॉट बहुत प्यारा है मेरा। अगर आपको ये धोबी पछाड़ शॉट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। इस यहाँ पर फिर से देखो, ये उठा उठा के फेंकेंगे यहाँ पर। धोबी पछाड़ शॉट पड़ता है ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है, फिर इसकी अंदर की आत्मा ही बोलती है बस कर मेरे भाई, कितना मारेगा मुझे। फिर से धोबी पछाड़ चालू है यहाँ पर, बस आप मज़े लीजिए यहाँ पर इसके। ये उठा उठा के पटकेंगे। अब ये एक और आ चुका है, ये तीरंदाज को तो बताता हूँ, रुक तेरी तो तुझे भी बताता। अभी तो मेरे पास बिजली वाली पावर भी, पर इनके लिए कोई क्या ज़रूरत है यार बिजली की, ये तो बच्चे हैं साले, अभी इनको मारते हैं। रुक जाओ, अरे ये हरे वाले को बहुत देर से देख रहा हूँ, उससे पता नहीं क्या खुजली पड़ी हुई है, बार बार उछक के आ रहा मारने के लिए, देख रहे हो। यहाँ पर इसको बताता हूँ, फिर से दो भी पछाड़ चालू करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। वैसे एक बार फंस जाए इनके अंदर वो, फिर बताता हूँ इसको। ये एक और आ रहा है, इसको भी मैं मारूँगा गाइस। बहुत सारे हो चुके हैं यार यहाँ पर ये, मेरे को लग रहा है कि अब पावर का यूज़ करने का समय आ चुका है। पर अभी थोड़े से मैं ट्राई करता हूँ, और ये इसको हरे वाले को बहुत मारूंगा। रुक जा, एक ये हरा वाला है, ले उठा उठा के पटकेंगे इसको। अरे देख रहे हो कि इसमें पता नहीं है क्या है, इतना पटकने के बावजूद भी ये मरते ही नहीं है, एक और ज़िंदा होते जा रहे हैं, लगातार ये ज़िंदा भी होते जा रहे हैं यार। मुझे डाउट लग रहा है कि मैंने मार भी पाऊंगा कि नहीं यहाँ पर, ये बहुत ख़तरनाक होते जा रहे हैं ये। अब मुझे पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा लगता है, रुक जा। अरे यार पावर तो यूज़ भी नहीं करने दे रहे लोग तो यार, वही तो अब तो बिन पावर के ही तुम्हें मारूंगा। बस रुक जाओ बस, तुम 3 और हैं गाइस, इनको भी मारता हूँ। ले पावर यूज़ की है हमने, पर इनको तो मुझे लगता है कि इनको तो पावर भी नहीं लग रही है यार, पता नहीं क्या होगा इनका। ये उठा के फेंका तो है, पर अभी पावर भी मारता हूँ पर ये उछल पच जाते हैं यार, पता नहीं कैसे बंदे हैं ये लोग। और देखा पावर भी मैंने मारा पर इनको लगती ही नहीं है, ये उछल के भाग जाते हैं, ये भी बहुत चलाक हैं यार। और मेरी लाइफ अब बहुत ही कम है, अब इनको तो अपने
एक्शन मोड में आना ही पड़ेगा, धोबी पछाड़ मारना ही पड़ेगा गाइस। अब बहुत हो गया है, इनका खेल ख़त्म करता हूँ। ले बस दो बंदे और बचे हैं गाइस, ये क्या ही लड़ेंगे मुझसे। पर अभी भी हम रिस्क में हैं क्योंकि एक दो बार इनका वो लग गया आग वाला, तो मैं जा सकता हूँ। और मैं गया तो फिर तो इनको तो छोड़ूंगा ही नहीं, मार के ही। हाँ मैं जीऊँगा या तो ये जियेंगे, देखते। एक को तो गया, अब ये एक अकेला बचा है। तब तेरा क्या हुआ कालिया, उसको भी मार दिया। ये इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी दोबारा से आके, इसको तो अब छोड़ूंगा नहीं। ये आ गया एक और, ये पता नहीं है कितने बार आएंगे यार। इनको मारता हूँ तो ये दोबारा ज़िंदा हो जाते हैं, पता नहीं क्या है इनका रोल। ले तेरी तो यहाँ पर धोबी पछाड़ चालू हो गया मेरा वार, तो भी देख रहे हो दोबारा खड़ा हो गया। इतनी जल्दी तो किसी का नहीं खड़ा होता जितनी जल्दी ये खड़ा हो जाता है। चलो गाइस ये क्या बोल दिया मैंने, पर जो ही नहीं, चलो इसको मारता हूँ। ये तेरी तो साला यहाँ पर आ थोड़ी सी लाइफ दे के गया, ये अच्छी बात है। अब ये अकेला बचा है, अब कोई भी नहीं आ रहा है, तो इसको मैं मारूँगा। अभी भी ज़िंदा है यार, ये आग क्यों छोड़ रहा है वो मेरे भाई। इसको क्या हुआ, ये इसमें तो खुद के भी ऊपर आग लग गई। और यहाँ पर गाइस मैंने उसे मार दिया है, और बड़ी मुश्किल से मैंने उतने सारे बंदों को मारा है। पूरी लाइफ तो मेरी ख़त्म ही हो चुकी है, देख रहे हो इतनी मेहनत से मैंने यहाँ पर पहुँचा हूँ मैं। अब ये इतना बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ के हुए हम आ रहे हैं। अब वो गाइस वो बंदा मिलेगा जिसने मुझे मारा था वहाँ पर, वो छुप के मेरे पे जेल के अंदर बंद है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मार रहा है मुझ पर। अब मैं उसको बताता हूँ, यहीं पर है गाइस वो। मैं गेट खोलने की कोशिश कर रहा था तब वो मुझे मार रहा था। अब बदला लेने का समय आ चुका है, हेल्थ फुल है, बिजली की पावर फुल है। अब इसको बताता हूँ, रुक तेरे तो तुझको बताता हूँ रुक। ले पर गलत जगह पे मार रहा हूँ मैं, यहाँ पर कहाँ यार, उसके पास जाता हूँ रुक। अरे बहुत हो गया यार तेरा, ले उठा उठा के ना मारा तो। ले तेरी तो, ले तेरी तो, ले मर साले। बहुत देर से देख रहा हूँ, उठा उठा के पटका के नहीं गाइस, बदला पूरा हो गया। मज़ा आ गया इसको मार के, क्योंकि इसने भी मुझे मारा था यहाँ पर से। अब ये गेट मैं आराम से खोल सकता हूँ, रुक जा यहाँ पर। अब क्या ओ का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, अब वो दबाता हूँ गाइस, मैं घुमाता हूँ। अब ये गेट खोलते हैं फिर अपन, ये गेट भी हमारा खुल चुका है। अब मैं आगे आ चुका हूँ गाइस, यहाँ पर ये मोमबत्तियाँ क्यों चल रही हैं, इतनी सारी चर्च बना के रख दिया इन लोगों ने। तो यहाँ पर जाना है, कहाँ जाना है, इसी साइड चलना है। चलो गाइस मैं इसी साइड चलता हूँ, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, गेट है क्या। चलो यहाँ चलते हैं सीधे सीधे, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है गाइस। मैं थोड़े से ये मटके शटके फोड़ देता हूँ, क्योंकि ये तो मेरी निशानी है, जहाँ भी जाएंगे तबाही मचाएंगे। एक और गमला रखा है, इस पर भी फोड़ते हैं, थोड़ा खून वून मिल जाए तो अपनी थोड़ा सा मज़ा सा आ जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर और खून ही खून, वाह क्या सीन है, यहाँ तो खून ही खून की नदियाँ बह रही हैं। और दो गमले और रखे हुए हैं, तो इनको भी हम फोड़ते हैं गाइस। अब मैं आगे की तरफ चलता हूँ, और क्या है यहाँ पर, गमले ही गमले हैं यार। अब तो बोर सा लग रहा है, अब आगे गमले होंगे तो मैं उन्हें अब नहीं फोड़ने वाला हूँ गाइस। चलो फिर अब आगे और चला जाए, यहाँ से हम लेते हैं राइट टर्न। अब मैं कोई नई जगह पर पहुँच चुका हूँ, कोई न्यू लोकेशन। यहाँ पर ये क्या है, बैटमैन, बैट कहाँ से आ गई, चमगादड़ कहाँ से आ गया यार यहाँ पर। इनको भी बताना पड़ेगा यार, इन लोग कहाँ पंगा ले रहे हैं मुझसे। मैं तो सबसे बड़ा हैवान तो मैं ही हूँ यहाँ पर, इतने सारे तीन तीन चार चार चमगादड़ अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लो सबको मारते हैं, रखो गाई सपन, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मारूंगा, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। सालों बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोगों को, यहाँ से अब मुझे कहाँ जाना है। तो चलो गाइस मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पर फिर से मुझे एक खून की डब्बा मिल चुका है, तो मैं ये लेता हूँ गाइस। और आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा है तो आपको पता है ना क्या करना है, लाइक कमेंट और शेयर दबा के कीजिए। और मुझे नेक्स्ट वीडियो बताओ किस टॉपिक पे बनाऊँ मैं, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा गाइस।